लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व अत्यधिक है। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदुओं में लखनऊ के महत्व को समझाया गया है। इतिहास लखनऊ का सबसे महत्वपूर्ण दौर 18वीं सदी से 19वीं सदी तक का था, जब यह अवध के नवाबों की राजधानी बना। इस समय लखनऊ ने शाही संस्कृति, संगीत, कला और वास्तुकला का अद्वितीय मिश्रण देखा। संस्कृति और कला नवाबों के संरक्षण में लखनऊ में कविता, संगीत और नृत्य की कला को प्रोत्साहन मिला। कथक नृत्य और ठुमरी संगीत का विकास इसी समय हुआ। लखनऊ की गंगाजमुनी तहजीब एक अद्वितीय सांस्कृतिक मिश्रण है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का सुंदर संगम दिखाई देता है। वास्तुकला नवाबों ने लखनऊ में कई महत्वपूर्ण और अद्वितीय इमारतों का निर्माण कराया, जिनमें बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा और भूल भुलैया शामिल हैं। ये संरचनाएं आज भी शहर की शान हैं और इसकी समृद्ध वास्तुकला को दर्शाती हैं। खानपान लखनऊ अपने विशिष्ट और लजीज भोजन के लिए प्रसिद्ध है। नवाबी खानपान में कबाब, बिरयानी, नहारी कुलचा और रूमाली रोटी जैसे व्यंजन प्रमुख हैं। अवध का व्यंजन एक विशेष प्रकार का व्यंजन है, जिसे यहाँ विकसित किया गया। उर्दू साहित्य लखनऊ उर्दू साहित्य का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ के मशहूर शायर और लेखक जैसे मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर और मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू साहित्य को समृद्ध किया। राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन लखनऊ भारत के स्वतंत्रता संग्राम और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इस शहर ने कई स्वतंत्रता सेनानियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जन्म दिया है। शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय, जिसे 1921 में स्थापित किया गया, शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। इसके साथ ही कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भी यहां स्थित हैं। लखनऊ का यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व इसे भारत के प्रमुख शहरों में से एक बनाता है, जहां प्राचीन और आधुनिक संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।